हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियोस। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स आरपीएफ और आरपीएसएफ के फर्स्ट स्टेटस के बारे में बताऊँ कि आपका आपका जो जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो प्रोफेशनली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में, फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ज़रूर फ्रेंड्स इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लाइक कीजिए इस वीडियो को, फ्रेंड्स ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे सबको पता चल जाए फ्रेंड्स कि उनका एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट। फ्रेंड्स रिजेक्ट तो मैं नहीं चाहते, किसी का रिजेक्ट नहीं हो, तो आई होप सबका एक्सेप्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट इनका स्टेप है एक्सेप्ट वाले का। फ्रेंड्स दूसरे एक और उनका स्टेटस आएगा, वो कुछ दिनों बाद आएगा कि आपका प्रॉपर जो आपकी फ़ोटो है, एड्रेस नेम वगैरह है, वो एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो वो सेकंड वीडियो जब सेकंड बार आएगी फ्रेंड्स स्टेटस चेक करने की, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। पहले भी फर्स्ट उन्होंने नोटिफिकेशन दिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं गूगल पे। फ्रेंड्स हमें फ्रेंड्स डायरेक्टली हमें सर्च करना है यहाँ पे आरपीएफ। आप जैसे आरपीएफ सर्च करेंगे तो अब सीधा सर्च करना है। तो फ्रेंड जो आपको टॉप पे दिख रहा है, आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स ब्लू कलर का आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2018। फ्रेंड्स आपको इसको क्लिक करना है। फ्रेंड्स आप डायरेक्टली फ्रेंड्स आप इस पेज पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो है इनका रिटर्न प्रॉपर पेज है। फ्रेंड्स आप इस पर आ जाएंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप देख सकते हैं, एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएफ एंड आरपीएसएफ के आप दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर आपका होम बटन है नोटिफिकेशन, तो ये कॉन्स्टेबल है और एसआई दोनों का ये। फ्रेंड्स तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आप अपना जैसे जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं लिया था फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से अपने जैसे ये आप देख सकते हो ओटीपी वेरिफिकेशन, कैंडिडेट लॉगिन और प्रिंट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप अपना यहाँ से फर्स्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है कि आपने कौन से ग्रुप में डाला था। आपने ए ग्रुप में भरा था, बी ग्रुप में भरा था, सी ग्रुप में भरा था, डी ग्रुप में भरा था, ई ग्रुप में भरा था या एफ ग्रुप में। तो फ्रेंड्स आपके जोन से ग्रुप में आपने भरा था फ्रेंड्स, उसको आप क्लिक करना है। फिर आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने फॉर्म जब स्टार्टिंग में आपने फिल किया होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको क्या डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड्स वो डालना है। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स नीचे आपको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैप्चर है। फ्रेंड्स आपको फिर इसके बाद कैप्चर डालना है, सही से कैप्चर डाल के फ्रेंड्स आपको फिर डायरेक्टली फ्रेंड्स आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स अपने आप ही फ्रेंड्स वहाँ पे लिखा आ जाएगा, आपको फोटो आएगा, एनरोलमेंट नंबर और आपका नाम आएगा। फ्रेंड्स आप अपना फोटो एनरोलमेंट नाम अच्छे से चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स उसके ऊपर आपके फोटो के फ्रेंड्स ऊपर ही फ्रेंड्स ग्रीन कलर का लिखा आएगा कि योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड्स वहीं से आपको पता चला कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सेकेंड एक और अपडेट आएगा। फ्रेंड्स उन्होंने अभी जारी नहीं किया सेकेंड अपडेट, जो उस प्रॉपर अपडेट आएगा कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, नेम वगैरह उसमें सब स्क्रूटनी में चेक होगा फ्रेंड्स, तो वो भी आएगा। तो फ्रेंड्स मैं उसमें भी बता दूंगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए इस वीडियो को। फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर।